इन्होंने दारू बना रही थी। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। श्रीमान एसपी साहब द्वारा विशेष निर्देश दिए गए थे कि शराबबंदी चल रही है, देश में लॉकडाउन चल रहा है, उसके पश्चात सासी बस्ती से लगातार शराब की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर विशेष मुखपूर्व अमीर किया गया था। आज सुबह जल्दी प्रातः सूचना मिली कि पहाड़ी के ऊपर बीपीएल क्वार्टर के अंदर सुमन नाम की महिला है जो भट्टी लगा करके कच्ची शराब बना रही है, जिस पर दबिश दी गई। तो मौके पर ये चालू हुई, भट्टी के अंदर दो पीपे, एक बड़ा कार्टून, तीन चार बाल्टियाँ जिनके अंदर बांस तैयार कर करके और उसके अंदर उसके द्वारा कच्ची भट्टी चालू कर करके कच्ची शराब निर्मित की जा रही थी। तो उसके एक पास में एक जरीकन मिला जिसके अंदर कच्ची शराब भरी हुई थी, जिसको भी चेक किया सूंघा, उसके अंदर कच्ची शराब भी होना पाया गया। सासी बस्ती के अंदर अभी ऐसे और भी कई मकानात हैं जिनको चेक किया जाएगा। बराबर सूचना मिल रही है कि ये लोग अब शराब की कमी होने के कारण से और कोई काम और नहीं होने के कारण इन लोगों ने अपने अपने घरों में, छतों के ऊपर और मकान के अंदर कच्ची शराब बनाना चालू कर दिया है। तो अवैध निर्माण किया जा रहा है, अवैध इस प्रकार से अवैध शराब के निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगातार दबिश दी जा रही है। आज इसको अरेस्ट किया गया है, इसके पास से 10 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के इक्विपमेंट, कुछ सामान, पीपे, बाल्टियाँ, जरीकन, की पाइप, इनको जब्त किया गया है, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और भी लगातार अभियान जारी रहेगा। जैसा श्रीमती सुमन वाइफ ऑफ शंकर, जाति सासी, निवासी सासी बस्ती भगवानगंज अजमेर है, जिसका पूरा भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इसका पूरा परिवार चोर है, इसका एक पति जेल के अंदर है, एक फरार है, एक यही नकदनिया करता है, तीन पति हैं इसके, बदमाश महिला है। अब इसने शराब निर्माण चालू कर दिया। ठीक है, आपका नाम? मेरे को ऐसे ही मार दो सर। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।